सेवरेटे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 20 लाख तक के इलाज मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश में आयुष्मान योजना से बीमा कंपनियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया है, कैबिनेट ने आज ये डिसीजन लिया है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 6 योजनाओं को आपने 2 कर दिया, क्या कुछ और चेंजेस हैं इसमें? एक ये बड़ा निर्णय हुआ, पहला कि जो हाइब्रिड मॉडल में स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही थी आयुष्मान के तहत, अब आयुष्मान योजना ट्रस्ट मॉडल में चलेगी, जैसा 17 अन्य राज्यों में भी चल रहा था। छत्तीसगढ़ ने भी उस मॉडल को अपनाया है। और साथ में संजीवनी योजना जो चल रही थी उसकी सीमा को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख तक चिन्हांकित इलाजों के लिए कर दिया गया। तो ये 2 बहुत बड़े अहम दूरगामी फैसले आज कैबिनेट ने लिए। इसके अलावा जो और स्कीम्स चल रही थी बहुत सारी स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो सारी बंद कर दी गई हैं, वो इसमें समाहित हो गई हैं। बंद यानी वो एक ही जगह से चलेंगी। 6 नाम से मान लीजिए अगर वो योजनाएं चल रही थी, संजीवनी कोष, फिर योजना थी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, एक योजना थी मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, एक योजना थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना चिरायु, एक योजना थी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, एक योजना थी आयुष्मान भारत योजना। तो ये जो 6 योजनाएं थी, लोग कंफ्यूज होते थे कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, किसमें कितना मिलेगा, कहाँ से क्या करना है, वो सब का सब एक जगह से आपको जो आपका इलाज है वो मिलेगा। और ये भी देखा जा रहा था कि एक इलाज दो दो तीन तीन योजनाओं से कवर हो रहा था। एक ही इलाज जो एक योजना में है वो दूसरे में भी था, तीसरे में भी था, चौथे में भी था। तो अब वो एक योजना रहेगी और एक बीमारी के इलाज के लिए एक जगह से आपको स्वीकृति मिलेगी और काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब स्वास्थ्य की स्थिति बदलेगी। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। छत्तीसगढ़ में